आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हम अपने इस खास कार्यक्रम में बड़े बड़े हस्तियों से मिलवाते हैं, देश प्रदेश की उन हस्तियों से मिलवाते हैं जो कि जनता की रोल मॉडल भी होती हैं, जिनकी सुनी अनसुनी कहानी हम जनता तक पहुंचाते हैं, जो कि जनता को काफी प्रेरित भी करती हैं और उनसे लोगों को काफी सीख मिलती है। हम जानते बड़े बड़े हस्तियों के उस मुकाम के संघर्ष के बारे में जिसे कोई नहीं जानता है। और आज इसी कड़ी में हम राज्य मंत्री श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला जी से मिलेंगे और उनके जीवन की अनसुनी बातों को भी जानेंगे, उनके संघर्ष को भी जानेंगे और जिस तरह से सरकार ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है इस बारे में भी हम उनसे जानेंगे। सर, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आपने अपना पिछला कार्यकाल बखूबी निभाया, सरकार ने आपको दोबारा अपने योगी 2.0 सरकार के कार्यकाल में एक बार फिर से मौका दिया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2019 29 जनवरी को मुझे ये कार्यकाल मिला था। पहली सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के नेतृत्व में, और ऐसी चुनौती भी मिली थी कि वो चुनौती थी कि श्रम कल्याण परिषद की पहचान, श्रम कल्याण परिषद बोर्ड का नाम कोई जानता नहीं था, ना नेता जानते थे ना अफसर भूल गए थे, अफसरों को भी ना योजनाओं का पता था ना उनके कार्यक्रम का पता था और ना किसी प्रकार की चीज़ें उनके संज्ञान में थी जी। हमने उन सारे विषयों को लेकर के, यानी कि 25 फरवरी से हमने पहली बोर्ड की बैठक करने के उपरांत हमने इसके कार्यक्रम शुरू किए थे। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब श्रम कल्याण परिषद का ना कार्यालय लखनऊ में था, ना इसका कार्यालय कानपुर में था। कानपुर में इसका पूरा सिविल, यानी कि पूरा हेडक्वार्टर और पूरा जो सेक्रेटरेट है वो पूरा कानपुर में है, लेकिन वहाँ कार्यालय नहीं था माननीय अध्यक्ष का, बिगर कार्यालय के बैठते थे, ऐसे ही बैठे थे जी। तो ये ऐसा बोर्ड था हमारे, मैं बताता चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में आज बहुत वरिष्ठ नेता और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने दायित्व संभाला है इस बार जी। उन्होंने अपने संबोधन में ये स्पष्ट कहा था कि मेरे 32-35 साल की विधायिका में मैं श्रम कल्याण परिषद का पहली बार नाम सुना और कानपुर का रहने वाला, कानपुर से लगातार 8 बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, तो ये बड़ा आश्चर्य था उस बात को लेकर के। लेकिन हमने चुनौती ली और चुनौती लेकर के उसको काम करा। श्रमिकों की हमने 8 योजनाएँ प्रचलित की, 9 योजनाएँ हमारी अभी स्वीकृत होने जा रही है, उस बोर्ड की बैठक में उस पर निर्णय हो जाएगा जी। तो श्रम कल्याण परिषद का काम करने का और श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में एक अपनी पहचान मिलने का, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार, उनको श्रेय जाता है जी। और उस सरकार को इसलिए श्रेय जाता है कि उन्होंने जब सब लोग कोरोना में अपने अपने घरों में काम कर रहे थे, हम अपने अफसरों को लेकर के इस कार्यालय में बैठ करके श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए बना रहे थे जी। 1.5 साल, लगभग 1.5-2 साल के कार्यकाल में हमने कोरोना काल में भी, क्योंकि समय को हम देख रहे थे, समय जा रहा है जी। और उस समय के अंतरकाल में ऐसी योजनाओं को, जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत लोकप्रिय योजना जिसको प्रचलित किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करी, वो योजना 10 नवंबर 2021 को जब राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी के जयंती पर उसका शुभारंभ होता है, और उस योजना का नाम धार्मिक और पर्यटन यात्रा के लिए, यानी कि ऐसे श्रमिक परिवारों को हमने, उनके माता पिता, बच्चे, उनके खुद पति पत्नी, ऐसे परिवारों को श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराने का जो जिम्मा उठाया, वो देश का पहला राज्य बना श्रम कल्याण परिषद, जहाँ जिसमें धार्मिक और पर्यटन यात्रा प्रारंभ की गई जी। उसी यात्रा को लेकर के बहुत लोकप्रियतर पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा है
उसके लाभार्थियों के अब बात भी शुरू हो गई है। जहां दूसरी ओर विषय आता है हमारे अधिकारी गणों को, वो खुद कहते हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री सुरेश चंद्रा जी ने इस बात को कहा है कि श्रम कल्याण परिषद जैसे मर्त प्राय ऑर्गेनाइजेशन को उठा करके और उसको पटल पर ला देना, उन्होंने हमें बधाई दी और हमारा मनोबल बढ़ाने का भी काम किया था जी। हमारे मंत्रियों ने मनोबल बढ़ाया, हमारे मुख्यमंत्री ने जो पत्रावली गई उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री थे कि उनका दिल और धड़कन श्रमिकों के बीच में रहती है, श्रमिकों में वो उनका प्रेम बसता है, गरीबों के लिए वो हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनका एक पूरा तन मन उनके साथ रहता खड़ा रहता है जी। तो उनका पूरा सहयोग मुझे मिला है। तो ऐसे अकेले मुख्यमंत्री थे कि जो उत्तर प्रदेश के कोरोना काल में कोरोना के चलते हुए वो लगातार उस पर काम कर रहे थे जी। और उसी काम को लेकर के श्रम कल्याण परिषद भी कोरोना के नियमों का पालन करके पूरे समूचे राज्य में किस प्रकार से इसका काम आगे बढ़े, कैसे योजनाएं चले, मंडलीय समीक्षा बैठक कैसे हो, उसकी जिला समीक्षा कैसे हो, उन योजनाओं को प्रचलन में कैसे लाया जाए, जिसका कोई नाम नहीं जानता उसे कैसे खड़ा किया जाए, तो लगातार ये चिंतन था। उस चिंतन को लेकर के हमने लगातार काम किया। और दूसरी फिर एक हमारे सामने एक बड़ी और चुनौती है जो एक्ट में था। एक्ट में नियम था जो खेल श्रमिक परिवारों के बच्चे, जो ऐसे परिवार जिनको 15,000 रुपये से कम वेतन मिलता है जी। और 15,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 ऐसे वेतन पाने वाले को उनके परिवार के बच्चों को खेल खिलाना जी। तो हमने जब उसमें ध्यान में आई ये चीजें कि ये श्रम कल्याण परिषद के 1962 नियमावली एक्ट में है, तो हम इसे पटल पे लाए जी। यानी कि जो आपके कार्यकाल में चुनौतियां रही उनका जो आपने सामना किया उसकी वजह से ही एक बार सरकार फिर से सत्ता में आई, आपको दोबारा जिम्मेदारी मिली। देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने, उसकी चुनौती तो और उसका श्रेय तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश में जो प्रभारी के रूप में रहे मैं आदरणीय अमित शाह जी, जो अपने योजनाओं संगठन के वो चाणक माने जाते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी जो रात दिन गरीबों की चिंता करते हैं, मैं वो श्रेय तो उनको दूंगा जी। मौजूदा वक्त की बात तो हमने कर ली, लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए जो हस्तियां होती हैं उनके जीवन से जुड़ी अहम चीजें जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपके जीवन की शुरुआत से शुरू करेंगे, जैसे छात्र जीवन, हर किसी का छात्र का जो समय होता है वो आम रहता है, पढ़ाई लिखाई होती है, काफी संघर्ष रहता है पढ़ाई लिखाई के बाद, तो आपका जो छात्र जीवन था वो कैसा रहा, हम अपने दर्शकों तक वो पहुंचाना चाहते हैं। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, और सवाल इतना अच्छा किया है, हमें चुनौती बहुत बड़ी थी। हमें विद्यार्थी जीवन में हम पढ़ने भी जाते थे और घर परिवार का पिता का साया नहीं था, हम खेत में खलियान की छोटी किसानी परिवार थे, उस खेत में काम करते थे जाकर के, अपने माता के साथ में उनका सहयोग करा करते थे, अपनी बड़ी बहन को साथ हमारी रहती थी उसके लिए हम खेत में जा करके अपनी किसानी का काम करते थे, और उसी टाइम में किसानी का काम करते हुए अपने स्कूलिंग भी करते थे, अपने भराला बीपी इंटर कॉलेज में जा करके पढ़ाई भी करते थे, तो दोनों साथ साथ काम करते थे, क्योंकि अपने आप कुआं खोदना और अपने आप पानी पीना ये दोनों चुनौती होती हैं। लेकिन हम उन सब संघर्षों से निकले हैं, बाल विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे हम लोग। बहुत सारे ऐसे अपने आदरणीय धर्मपाल जी संगठन मंत्री रहे मेरठ में, राजनारायण शुक्ला जी हमारे संगठन मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद में, हमारे माननीय शिव प्रकाश जी संघ के जिला प्रचारक हमारे जिले के रहे, ऐसे आदि महानुभाव हमारे दिनेश जी जो उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, मैं ऐसे नाम का उल्लेख कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने काम देखा है, संगठन में काम देखा है, रात दिन काम देखा है। हमारे आज आचल न्यास चलाते हैं संघ के प्रचारक रहे आदरणीय मुकेश जी, तमाम लोगों के मैं नाम लेकर उल्लेख कर रहा हूँ। हम सब लोग, हम स्वयंसेवक का काम भी करना, खेत का किसानी का काम भी करना और अपना
विद्यार्थी का काम भी करना, अपनी शिक्षा ग्रहण भी करना, ये सारी चुनौती थी हमारे पास। लेकिन हम उन सब चुनौतियों को साथ लेकर के काम किया हमने, लेकिन हमने कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं उठाया। और दूसरा मैं आपसे बताता हूँ कि हमने कदम एक भी पीछे इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई देती थी कि हम इस काम को पूरा करेंगे। और उसमें हम सोचते थे कई बार कि स्कूलिंग के साथ साथ में चुनौती दूसरी भी ये होती थी कि जो मैंने अभी एक नाम लिया था आपको कि अपना कुआं खोदना और उसी में से पानी पीला, ये भी एक चुनौती थी जी। क्योंकि राजनीतिक जीवन में बहुत सारी चुनौती ऐसी आई कि हमारे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाल अवस्था से, यानी कि बाबा 1942 में आ गए थे, फिर हमारे पिता से ही निकले, वो जनसंघ से चुनाव लड़े, 1974 के चुनाव लड़े, 69 के चुनाव लड़े, तो ऐसा एक वातावरण भी मिला समाज की सेवा करने का, गरीबों की सेवा करने का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन के सारे एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से जो अंत्योदय में खड़ा हर व्यक्ति उसकी चिंता करने का जो दिशा मिलती थी वो अपने प्रेरकों से मिलती थी हमेशा, तो उसके लिए भी हम काम करते थे। तो उन सब चुनौतियों को मान करके ही ये श्रम कल्याण की और झुग्गी झोपड़ी की जिम्मेदारी इस पूर्व में संगठन में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के हम मंडल अध्यक्ष से, वार्ड अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के यूथ के जिला मंत्री, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रहते हुए हम राष्ट्रीय टीम तक काम करने का अवसर मिला, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, बस्तियों में, श्रमिकों में, मजदूरों में। और फिर हमें वो सरकार ने काम भी ऐसा ही काम दिया कि जो झुग्गियों का, झोपड़ियों का, बस्तियों का, श्रमिकों का, वो गरीबों का काम हमें यहाँ मिला। लेकिन हमें उसे वहाँ से महारत हमको मिली है वो जी। जो आज ये आपको दिखाई दिया है और दूसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी का हमने यहाँ निर्वहन किया है। हम चाहते हैं सब लोगों से इसी बात को आगे बढ़ा करके कि ये किसी भी कारण से आगे बढ़े, उन गरीबों को जो पात्र लोग हैं, जो जिसके इसके लिए योजनाएं चल रही हैं, वो उन तक हमारे अधिकारी वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। मैं निश्चित रूप से, मुझे विश्वास भी जगा, मैं बताता चलता हूँ, बीच में रह गया था जी। चेतन चौहान खेल क्रीडा श्रमिक प्रोत्साहन योजना जो खेल की चलाई, हमारे ध्यान में आता था कि गरीबों के, श्रमिकों के बच्चे कैसे खेलेंगे। हमने उसमें 1,00,000 रुपये का लाभान्वित करने का भी निर्णय लिया कि जो बच्चे खेल के आएंगे उनको 1,00,000 रुपये श्रम कल्याण परिषद से मिलेंगे। तो ऐसा बड़ी नियम हमने मृतक आश्रित का भी, उसमें भी हमने 1,00,000 रुपये का निर्णय लिया कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसे 1,00,000 रुपये देंगे। और मैं आपको बताता चलता हूँ, ये बात भी आप अपने दर्शकों को, हमारे जो चाहने वाले वो लोग भी देखेंगे उस बात को, कि हमने जो बिटिया थी श्रमिक परिवार की उसको पहले 15,000 रुपये की बात थी, हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 51,000 रुपये कन्यादान करने का भी निर्णय हमने लिया, तो वो आज लाभ मिल रहा है। यानी शुरू से ही आपने अपने शुरुआती जीवन से संघर्ष देखा, श्रम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी वजह से आप इतनी बारीकी से लोगों की परेशानियों को समझते हैं और उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात करी जाए राजनीति की, तो आपने बताया आपका परिवेश जो था, माहौल था घर का, उसमें भी लोग राजनीति से जुड़े थे, यही वजह थी राजनीति में आने की, या फिर कोई आपने समाज में ऐसी कमी देखी जिसको राजनीति के जरिए ही दूर किया जा सकता था, इसीलिए आपने राजनीति में कदम रखा? देखिए, जो हमारे पूर्वजों के सपने थे जी। उन सपनों को हमने अपनी आंखों में सजाया है और उन सपनों को हम देखते हैं, वो भी उनका भी विचार, चिंतन, निर्धन, गरीब, उसके कल्याण। मैं एक शब्द बोला था कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन था जी। वो हमारे परिवार में बसा हुआ था और क्योंकि यातनाएं भी झेली हैं, 19 महीने हमारे पिताश्री जेल में आपातकाल में रहे थे, तो हम तो छोटे से उनकी मुलाकात करने जाते थे तो माता के साथ जाया करते थे जेल में मिलने, तो वो प्रवेश भी देखा, उसी में सारी चीज़ देखी, कैसे कैसे जाया करते थे बैठ करके, टम्पू से, ऑटो से, पैदल, तो वे सारी पीड़ाएं थी वो सब याद रहती हैं। उसी को लेकर के जो श्रमिकों का आपने जो संघर्ष की बात करती हैं आप, हम उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, और वो संघर्ष
हम सोचते हृदय से मन से कि वो परिवार भी ऐसे संघर्ष कर रहा होगा जैसे हम लोग संघर्ष करते थे, तो उसको हम कुछ आगे बढ़ा दें, उसको लाभार्थ दे दें, उसके परिवार में वो चीज़ पूजे जो जिसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, तो सरकार को के द्वारा जो काम है वे वहाँ तक पहुँचना, उस ठीक व्यक्ति तक पहुँचना, ये हमारी प्राथमिकता है। आपने कहा था कि हम उस चुनौती को भी लेते हैं। हम सब राजनीति के लोग, समाज में खुली किताब होती है, और मैं हर जगह उस बात की चुनौती भी लेता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ। मेरे विभागीय अधिकारी 3 वर्ष तक मेरे साथ पूरा पहली सरकार में चोली दामन का साथ रहा हमारा, उनका उन्होंने हमें भरपूर सहयोग भी दिया, सपोर्ट भी किया। और आप मीडिया के लोग हैं, आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं है जी। हमने चेतावनी के साथ कहा था कि राजनीति में शुचिता, राजनीति के अंदर पवित्रता, ये शब्द क्या है? ये शब्दों का कहना और उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना, मैं चेतावनी के साथ कहता हूँ कि कोई माइका लाल कह दे, हमारे विभाग का अधिकारी, कर्मचारी, जनता का, समाज का, उद्यमी का, कि पंडित सुनील भरला किसी 1 रुपये का गुनाहगार हो, ये भी कह दे तो हम दूसरी बात, मेरे विभाग का अधिकारी ये भी कह दे कि हम उनकी चाहे हम गर्म पानी के सिवा उनके भी गुनाहगार नहीं है। अगर कोई कहने वाला माइका लाल आ जाए तो हम उस राजनीति से लात मार देंगे ऐसी से। हमारी सुचिता यही है, पवित्रता यही है, क्योंकि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिखाया है, उनकी प्रेरणा से हम वहाँ आगे आए हैं। हम अपने उस पथक पर चलने वाले सिद्धांत को तोड़ नहीं सकते जी। अपने जीवन के उस संघर्ष के हम मजाक नहीं बनवा सकते, ये हमारा निश्चित संकल्प है जी। गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए आपने बहुत काम किया है। क्या आपके छात्र जीवन से राजनीति तक कभी कोई ऐसा समय आया कि किसी आंदोलन का भाग आपको बनना पड़ा, कभी आपको जेल यात्रा करनी पड़ी? ये आपने बहुत अच्छी बात करी, और तुम्हारे जिज्ञासा कहाँ से आई है ये तो प्रभु ही जानता होगा। हम अपने जीवन के, हमने स्वयं आज वर्तमान के जो राजनीतिक साथी हैं, हमने जीवन के लगभग 9 महीने जेल काटी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में हम जेल में रहे, अनेक बार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के, जनपद में भ्रष्टाचार को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के, शोषण को लेकर के, पीड़ितों की समस्याओं को लेकर के, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की समस्याओं को लेकर के बहुत सारे मुकदमे सरकारी काम में बाधा के हम पर लिखे गए, लाठीचार्ज हुए, दिन दिन भर लाठीचार्ज होते रहे, लाठी आपस में कार्यकर्ता वर्सेस सरकार चलती रही, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। ना तो हम जेल से कभी डरे, ना मुकदमों से डरे। 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हमारे खिलाफ हुए, उन मुकदमों को हमने खुद लड़ा भी और उनमें हमने जेल भी काटी, और मुकदमों से हम कभी हटे नहीं, ना जेल से हम कभी डरे नहीं। हम तो नारा दिया करते थे, और वो नारा हम अभी भी कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से। मैं कहता हूँ इस बात को कि जो संघर्ष के नारे हैं वो संघर्ष से कभी पीछे मत हटो, और उस नारे को कभी मत भूलो जो हम वो नारा दिया करते थे कि ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले। तो हम तो उस समय उस संघर्षों में रहे हमेशा, और छात्र जीवन से लेकर के, झुग्गी झोपड़ी बस्ती से लेकर के, गरीबों की लड़ाई से लेकर के, बहुत सारे आज बड़े यहाँ वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं वो जानते हैं सब, जब संघर्ष हो करता था मेरठ की धरती पर जी। तो हम ना तो पुलिस से डरे, ना जेल से डरे, ना यातनाओं से डरे। हम सही को सही कह करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, और उसी संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नारे को लेकर के और अपनी राजनीति की शुचिता को लेकर के हम ऐसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि वही शक्ति प्रदान हमें भगवान करें जी। अनसुने किससे हम जानना चाहेंगे आपके जीवन के जो प्रेरणादायक हो, अगर बात करी जाए चुनाव की, तो आपके जीवन का सबसे कठिन चुनाव कौन सा रहा? देखिए, जहाँ चुनाव लड़ने की, भारतीय जनता पार्टी में एक टिकट के निर्णय होते हैं जी। चुनाव लड़ाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने हमें कई बार देने की कोशिश करी, लेकिन
कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बनी कि जहाँ चुनाव हम लड़ नहीं पाए, लेकिन हमारी जरूर निश्चित रूप से मन की इच्छा रहती थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने हम पे इतना बड़ा भरोसा किया कि हमको मनोनीत किया। हम उसको आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं उस बात को कि उस पर हमारा बहुत सम्मान और बड़ा सम्मान के हमें पार्टी देती है और पार्टी हमें जो जिम्मेदारी दे देती है हम उसके प्रति संकल्पित हैं। पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे हमेशा। हम कभी भी राजनीति नेता के लिए नहीं, राजनीति सेवा के लिए हमने करी है जीवन में, उसी के लिए हम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जी, आपने भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीति से प्रेरित होकर इसे चुना, क्योंकि ऐसा देखने को मिला था कि चुनाव से पहले कि बहुत सारे नेता बागी हो गए थे, उन्होंने पार्टियां बदल ली, लेकिन आप एकदम संकल्पित रहे, आपने पार्टी का दामन भी नहीं छोड़ा, निष्ठावान है, आखिर कौन सी नीति से प्रभावित है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल आपका है। ये राष्ट्रीयता की एक विचारधारा है, देश की विचारधारा, अखंड भारत कैसे बने, जिसे हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उस विषय को पूरा किया जिस पर हम लोग बाल अवस्था से उस नारे को सुनते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। तो ऐसे जब नारे आते थे जी। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पार्लियामेंट से इस्तीफा दे करके आ गए, मंत्रालय में लात मार के चले गए, सब त्याग करके चले गए राष्ट्र के लिए, वे हमें उन्होंने हमें प्रेरित किया जी। कि कैसे लोग थे, कैसे दीवाने थे वे देश के लिए, और वे नारे पूरे करने का काम मिशन थे, वे नारे नहीं थे, वे हमारे संकल्प थे सबके। भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो, भगवान श्री महादेव जी का जीर्णोद्वार हो, अभी भी कुछ चीज़ें हैं वे पूरी हो रही हैं, धारा 370 हटे, सिविल कोड की बात हो रही है कि समान नागरिकता पूरी हो, वो भी होने के संदेश संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो भी जल्दी होगी। तो इन सब नारों से हम प्रेरित थे, तो वे नारे नहीं थे, वे संकल्प थे जी। तो आपने जो अपना अभी तक राजनीतिक सफर तय किया है उसमें आपको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी लगती है? देखिए, अभी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है जी। धारा 370 जी। और भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण होना जी। ये बड़ी उपलब्धि है जी। आप भी राम मंदिर, राम मंदिर निर्माण में जेल गए, आंदोलन में रहे, बहुत सारे जेल यात्राएं की, तो उस पर हमें बड़ा वो था। धारा 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर तक गए, अपनी 2 बीघा जमीन का आंदोलन को लेकर के जब जम्मू कश्मीर में था, उस आंदोलन में रहना पड़ा, जेल जाना पड़ा, वहाँ भी कर्नाटक हुबली में जेल जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश अपने मेरठ में। तो ये सारी चीज़ें, ये संकल्प थे हमारे और ये सपने भी थे, क्योंकि ये सपने बाबा पिता श्री सबके चले आ रहे थे। तो ये 2 बड़ी घटनाएं जो हुई हैं, एक तो भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण होना और दूसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े संतुष्टि भरे काम है, जिससे बहुत संतुष्ट हैं। कोई जरा सी अंदर वो नहीं है कि उससे खुशी की लहर भी है कि ये जो लोग चले गए जिन्होंने वे चीज़ देखी नहीं, जिन्होंने उस आंदोलन में अपने प्राण तक दिए, वे आज पूरे हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं, सरकार में हो रहे हैं, और कुछ बचे कुचे चीज़ें हैं वो जल्दी पूरे होंगे जी। आपकी आस्था परशुराम जी में बहुत है, और जिस तरह से इस वक्त चल रहा है कि परशुराम जी के मंदिर को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया, उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा विषय इसको उठाया है। ये विगत दिनों से लगातार हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक होने का सौभाग्य मुझे मिला, और उस सौभाग्य के बाद हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा उस बात को लगातार उठाया गया कि जहां भगवान श्री परशुराम जी की अवतरण भूमि कहां है उसको प्रचलित में लाया जाए, उसका उद्घोष हो, भगवान श्री परशुराम जी के तीर्थस्थली कौन कौन सी हैं,
उनकी साधना भूमि कौन कौन सी हैं, भगवान श्री परशुराम की युद्ध भूमि कहाँ है, भगवान श्री परशुराम जी के तपोभूमि ऐसे स्थान उनको तीर्थ स्थली घोषित किया जाए, उसमें हमें बड़ी सफलता अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जलालाबाद में जहाँ भगवान परशुराम जी की जो तपोर साधना भूमि थी उसको तीर्थ स्थली घोषित किया, जो हम वर्षों से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्राचार के माध्यम से कई बार उनको संज्ञान में लाया। अभी विगत दिनों हमने जब लास्ट में जब ये घोषणा हो रही थी तो उस समय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं श्री संजीव जी, हम लास्ट पत्र उनको दे के आए कि आप इनको तीर्थस्थली घोषित कराइए, तो उसमें कई जगह का उल्लेख था, उत्तर प्रदेश में जलालाबाद भी थे शाहजहानपुर में, उत्तर प्रदेश में बागपत जनपद में जहाँ पूरा महादेव मंदिर है भगवान शंकर जी का, वहाँ पर श्री परशुराम खेड़ा के नाम से उनकी तपोभूमि एक वो है, एक उनकी बलिया में है, गोंडा में है, कन्नौज में है, ऐसे कई स्थान हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम जो बड़ा हुआ है अभी, जो भगवान श्री परशुराम जी की शाहजहानपुर जलालाबाद को वहाँ को उस साधना भूमि को तपोभूमि को उस को तीर्थस्थली घोषित किया, मैं कोटि कोटि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को पूरा करने का काम किया है और जो छोटी चीज़ें हैं वो उनको भी पूरा करेंगे, मुझे ऐसा भारी विश्वास है। हमने कई पत्राचार किए थे और भी हम फिर पत्राचार के माध्यम से उनके संज्ञान में लाएंगे और उनको जल्दी वो पूरा करेंगे, तो उन कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा हमने ये भी जो आपने सवाल पूछा, भगवान श्री परशुराम जी के बहुत सारी चीज़ें लुप्त हैं, अवतरण भूमि, युद्ध भूमि कहाँ है, तो माफ़ करना मैं आपसे पूछूं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप शायद उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, अभी वो लुप्त है, वो सभी युवाओं के सामने प्रश्न है, इसको बहुत जल्दी यानी युवाओं को इस चीज से अवगत कराने, परशुराम जी के जीवन से जुड़ी कहानियों को बताने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप भी उसमें शामिल होंगे। वो हरिद्वार में एक धर्म संसद के रूप में होगा, तो उससे वहाँ पर एक उसका सारा उद्घोष होगा, तो निश्चित ये सब बड़े काम होने का ये सपने भी पूरे हो रहे हैं, जो आए जागे दिखाई दिए तो उनको पूरा करने का काम हो रहा है, तो बड़ी खुशी है कि आप उन बहुत गहराई तक आपके अंदर वो चिंतन था जिस सवालों को आपने आज हमसे पूछा, मैं निश्चित रूप से कि ये चीज़ें आप अपने दर्शकों के नहीं समस्त सनातन हिंदू के बीच में ये बात जाएगी और उनको भी जानकारी इसकी मिलेगी, तो अच्छा विषय आपने उठाया जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने जीवन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में सुनील भराले जी, जो कि राज्य मंत्री हैं और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने जीवन से जुड़े संघर्षों के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको इनके जीवन से जुड़ी हुई बातें जानकर प्रेरणा मिलेगी। अगले एपिसोड में अगले ही एक हस्ती के साथ मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनके जीवन के संघर्षों के बारे में। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।